चलिए शुरू करते हैं। ये हमने प्लास्टिक पट्टी जो हमें दुकान पे मिल जाती है, जहाँ वर्दी का सामान मिलता है, स्टार पट्टी प्लास्टिक की रहती है ये। इस तरह सभी छेद रहते हैं इसमें। एक कपड़ा लेंगे और ये पट्टी, इस तरह से कपड़ा लिया जाएगा। चलिए हम इस चीज़ को फिर से दिखाएंगे आपको। ये पट्टी लगेगी, ये अलग अलग वर्दी के हिसाब से लगती, पोस्ट के हिसाब से। इस तरह दो लूप से लगेंगे एक एक पट्टी में। कपड़े को हम लंबाई में लेंगे, ये कपड़ा हमारा। इसको आप, हमने सफ़ेद प्लास्टिक बताया था वो समझ लें, ये समझ लो कि अभी नहीं बना है। यहाँ से आधा इंच लगभग कपड़ा छोड़ के थोड़ी सी मेरी गलती के कारण मेरा वो वीडियो ना डिलीट हो गया है। इस तरह पहले निशान लगा लें और इस तरह और यहाँ पर भी एक निशान लगा लें। इसको ऐसे कि ऐसे यहाँ रख दें। तीनों तरफ निशान लगा दें इस तरह ऐसे। ये हमारे निशान लग गए। अब इसको ऐसे मोड़ दें, ये यहाँ तक हमारा निशान लगा, इस निशान पर से ही मोड़ें। काट लें, इसके बाद ऊपर से 1 इंच यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लें। जो हम पेंट में लुप्स बनाते हैं उससे और थोड़ा पतला ओरेप कपड़े में इस टाइप की बद्दी बना लें। लंबी दो लगेगी हमारी, ये जो लगी हुई है निचोड़ी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ। तो जैसे ये यहाँ पे लगी है तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली निशान यहाँ पर आएगी। ये जो पट्टी लगेगी वो इस निशान से ऊपर लगेगी, यहाँ से यहाँ। सबसे पहले जो जो पट्टी लगेगी हमारी, जैसे ये पट्टी लगेगी, इसको इस तरह रख लें। इसी तरह ये लूप्स भी रख लें निशान पर, एक यहाँ पर रख लें और यहाँ से सिलाई शुरू करें। यहाँ ख़त्म कर दें, फिर उसी तरह देखकर लूप्स को यहाँ से सिलाई लगा दें। सिलाई बिल्कुल निशान पर ही लगाएं, यहाँ उतार दें पक्का करके।
इसके बाद इसको जब हम छांटेंगे तो थोड़ी दूर से छांटें, कम से कम आधा इंच दूर से, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, छांट दें, फिर इसको पलटा लें। चलिए पलटाने के बाद देखते हैं। ये हमने इसको पलटा भी लिया था सिलाई लगा के, उसके बाद उसके अंदर जो प्लास्टिक रहता वो भी डाल दिया है। ये देखिए इस तरह जो प्लास्टिक अंदर चला गया है। अब एक दोनों सिलाई इतनी इतनी खोलने के बाद इस तरह से पहले एक कपड़े को अंदर करें, फिर दूसरे को थोड़ा काट के कम कर लें। पहले एक जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मेन फिनिशिंग वाला, उसको अंदर करें, फिर दूसरे को करें, उसके बाद ये तुरपाई होगी इस पर खींच के, और इसको प्लास्टिक को अंदर डालते समय ये ध्यान रहे कि जो साइड के जो जॉइंट होते हैं वो अंदर तरफ रहें, नीचे तरफ पट्टी के जो हिस्सा दिख रहा है जो, ताकि ऊपर तरफ फिनिशिंग ख़राब ना हो। इसलिए वो कपड़े को बड़ा छोड़ने को बोला था, ताकि छोटा रहे तो वो समझ नहीं आता किधर है। इस तरह तुरपाई कर दें, इस तरह तुरपाई करें और खींच के देखें, इस तरह सेट करें और सुई देखें यहाँ से इधर किनार पे ही ले लें, खींच के कपड़ा अंदर हो जाएगा, और इधर से भी दूर से लें। थोड़ा ये संभल कर काम करना पड़ता है। बस इसमें यही थोड़ी परेशानी होती है, करने लगोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आपसे दो चीज़ें मिस हो गई आज, मेरी गलती के कारण मेरे से गलती से बीच वाला पार्ट डिलीट हो गया जिसमें ये प्लास्टिक को अंदर करते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से करना है। और दोस्तों ये तो शुरुआत है, आगे कभी फिर डाल दूंगा इसी का वीडियो। इस कपड़े के जो मार्क लगाए थे निशान, हमने अंदर जहाँ से सिलाई लगाना था उसको आप फिर से समझाता हूँ कि इस वही समझ लें कि प्लास्टिक का ही है। वैसे मैंने जो निशान लगा के दिखाया उससे भी वही बात है वो तो। और इस प्लास्टिक को अंदर जब करते हैं तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जॉइंट रहे वो नीचे तरफ रहें इसके। ये देखिए हमारा बन चुका है।
अब इसमें हम निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ निशान लगते हैं। चलिए आगे निशान लगाते हैं। चलो हम जो छेद करेंगे उसके निशान लगा लेते हैं। ये उसमें अंदर छेद पहले ही रहते हैं प्लास्टिक पट्टी में, आसानी से लग जाएंगे छेद के निशान। इस तरह लगाना। ये बैच के निशान हो गए हमारे, स्टार के लगा लेते हैं। ये दो स्टार वाली है इसलिए तीसरे नहीं लगाएंगे हम। अब हम बैच और स्टार के होल करेंगे इस तरह से। निशान लगा लिए थे हमने, ये क्या हो। इसके बाद तुरंत हाथ रख दें उस पर तो पूरे तीनों पार्ट से एक साथ चिपक जाएंगे। हाथ बचाकर इस तरह हाथ रख लें, इससे क्या चिपक जाएंगे तीनों पीस। ये नीचे की पट्टी को संभालें, जो हमने लूप्स लगाए हैं उसको संभाल कर ये वाले छेद करते समय ऐसे दबा दें हाथ से, तो क्या वो चिपक जाते हैं। ये देखो हमारी तैयार हो गई है वर्दी की, ये स्टार पट्टी। अब इसमें हम लगाते हैं स्टार। लगा के दिखा देते हैं आपको। इस तरह लगा लें। ये बेच लगा लिया हमने। दोस्तों इसका वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, ये पहला वीडियो है।